उन्होंने देखा कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जो मेन प्रॉपर्टीज थी उनमें विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइपोल मोमेंट, और यही प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होती हैं जब सॉल्यूशन प्रिपरेशन होती है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन केमिस्ट्री का, और सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में मोस्टली बनते हैं, सॉलिड्स भी सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड्स के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यूज़ में होते हैं या जो एक्सपेरिमेंटली है, जो हमारी एप्लीकेशन में आते हैं, वो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। इसीलिए हमने लिक्विड सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ देखी, जिसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइपोल मोमेंट, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है सॉल्यूशन की फॉर्म में जब आता है। आज हम अपने मेन टॉपिक को टच करते हैं, डैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? बाय डेफिनेशन इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हुज कंसंट्रेशन चेंज अप टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, कि ये होमोजेनियस पहली चीज है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर होमोजेनियस नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो कुछ और होगा। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हुज कंसंट्रेशन कैन बी चेंज अप टू सर्टेन लिमिट। सॉल्यूशंस के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट लेस अमाउंट में जो चीज़ हो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ग्रेटर लार्जर अमाउंट में जो चीज़ हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्यूशन जस्ट केमिस्ट्री की टर्म नहीं है, फिजिक्स में भी यूज होते हैं। फिजिक्स में कैसे यूज होते हैं? इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, स्टार्टिंग एप्लीकेशन जब आप कोई भी सुपर कंडक्टर्स बनाते हो, कंडक्टर्स बनाते हो, मेटल से ही बनेंगे ना जी। ठीक है, उनको कंबाइन करने के लिए, सॉल्यूशन फॉर्म में लाने के लिए, कंडक्टर्स बनाने के लिए, उनको सिंथेसिस करने के लिए आपको जो बेसिक स्टेप है दैट इज योर सॉल्यूशन प्रिपरेशन। सॉल्यूशन ही बनाना होता है, अलॉयज भी उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, जिसमें सॉल्यूट कम क्वांटिटी में और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व हो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वेरी होती है, और इसी कंसंट्रेशन की बेस पर या कंसंट्रेशन को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किस बेस पर हम कहते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेस। द सॉल्यूशन विच हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन विच हैव लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेटेड। बट इट डजंट मीन कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाएगी सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट से सॉल्यूट की अमाउंट एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, ये एक चीज ध्यान में रखनी है, सॉल्यूट की अमाउंट हमेशा सॉल्वेंट से तो कम ही रहेगी। देखिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट का जब हम स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम फिक्स कर देते हैं सॉल्यूट की अमाउंट। ठीक है, अगर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है तो वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हम इसका देखें मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, या सॉल्यूशन सिंथेसिस, ये सॉल्यूशन बनता कैसे, उसका मॉलिक्यूलर व्यू क्या है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है इनके होमोजेनियस मिक्सचर, लेकिन ये मिक्सचर बना कैसे, इसमें अगर हम उसकी फोर्सेस को देखें, उसका मॉलिक्यूलर व्यू देखें, मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं जिससे ये सॉल्यूशन बन रहा है, तो तीन तरह की फोर्सेस है जो रोल प्ले करती हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, तीन तरह की अट्रैक्शन। फर्स्ट है सॉल्यूट इंटरैक्शन, ठीक है, सेकंड सॉल्यूट सॉल्वेंट
solvent interaction, third is solute solvent interaction. ठीक है, ये तीन इंटरेक्शंस हैं या तीन फोर्सेस हैं जो रोल प्ले करती हैं सॉल्यूशन मेकिंग. सबसे पहले जो प्योर फॉर्म में है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनकी आपस की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है. जब सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे, उनकी आपस की इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी. अब जरूरी नहीं है, ये हम आगे करते हैं जिसके केस में मैं आपको बताऊंगी आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो इन्हीं इंटरेक्शन के बेस पर काम करते हैं. ठीक है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन. और समटाइम ऐसा होता है कि स्टिल जो प्योर फॉर्म की इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. बट इट डजंट मीन कि सॉल्यूशन नहीं बनेगा. इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन होती हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट की, बट उन केसेस में इंटरेक्शन वीक एज कम्पेयर टू द प्योर. ठीक है, सॉल्यूशन तो बनता है, सॉल्यूशन बनेगा बट इंटरेक्शन वीक होती है. और वो सॉल्यूशंस हम आगे जब मैं बताऊंगी आइडियल नॉन आइडियल के केसेस में, वो इन्हीं इंटरेक्शन की बेस पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं. ठीक है, कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन करना शुरू हो जाती है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट को सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को सॉल्युलाइज करना शुरू कर देता है जिससे सॉल्यूशन मेकिंग होती है. अब मुझे ये बताएं कि आपको कंसंट्रेशन यूनिट्स तो आते हैं, मोलारिटी 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 मोल फ्रैक्शन तो पढ़े हैं ना. ठीक है, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, के कितने नंबर ऑफ मोल्स एक लीटर में सॉल्यूशन के एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि एक लीटर सॉल्यूशन का कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करता है. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इतने एमएल सॉल्यूशन बनाए सॉरी इतने मोलर सॉल्यूशन बनाए, इतने मोलर सॉल्यूशन आप बना सकते सॉल्यूशन सिंथेसिस नहीं. चलो वो प्रैक्टिकली उसमें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये भी आपका पार्ट है कि जब आप आगे जाके प्रैक्टिकल्स करोगे उसमें सॉल्यूशन की प्रिपरेशन आएगी. ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल के उसमें डिस्कस करते हैं आज कि सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा. ठीक है, तो कंसंट्रेशन यूनिट्स डिफरेंट हैं, जिसमें मोलैरिटी आ जाती है, मोलैरिटी आ जाती है, मोल फ्रैक्शन आ जाती है, परसेंटेज कंपोजिशन के लिहाज से सॉल्यूशन बनते हैं, ये डिफरेंट की कंसंट्रेशन आ जाते हैं. मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मोलैरिटी कहलाती है. मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सम कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉल्यूशन एक्सपोज. अगर सॉल्यूशन आपके पास बना हुआ है और वो बाइनरी नहीं है, मीन्स कि वो दो कॉम्पोनेंट नहीं है, दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें, दो भी हो सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं. अब मोल फ्रैक्शन का जो रोल है वो सॉल्यूशन प्रिपरेशन में या फिजिक्स वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ज्यादातर इनके मोल फ्रैक्शन में ही सॉल्यूशन चलते हैं. ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या, हम जैसे कहते हैं ना कि इस चीज सॉल्यूशन का हम उस तरीके से ले रहे हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस सॉल्यूशन में इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इतना पार्ट प्रेजेंट है, परसेंटेज है कि इतने परसेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स टोटल उसमें प्रेजेंट है, कि इतना रोल वो प्ले कर रहा है कि एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो टोटल में इतने परसेंट प्रेजेंट है, इतना रोल प्ले कर रहा है, इतने फीसद उसका हिस्सा है, इसको कहते रहते हैं मोल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में है ना, तो इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ही आगे चले.